छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग परीक्षा के चयन पर उठ रहे सवालों पर भाजपा द्वारा लगाए गए आरोपों के बीच कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 2018 के पहले के चयनित नेताओं, अधिकारियों और रिश्तेदारों की सूची जारी कर भाजपा को कटघरे में खड़ा कर दिया है। राजीव भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि दुर्भाग्य से भाजपा अपनी निम्न स्तरीय राजनीति के लिए इन बच्चों की योग्यता पर सवाल खड़ा कर रही है। सुमित अग्रवाल 2008 बैच में डिप्टी कलेक्टर के पद पे चयनित हुए थे और संदीप अग्रवाल 2008 में ही डिप्टी कलेक्टर के पद पे चयनित हुए थे। सुमित 2008 के टॉपर रहे, संदीप दूसरे स्थान पे रहे, दोनों सगे भाई हैं। अब पूर्व आईएएस बीएल अग्रवाल के भांजे हैं। दूसरा समीर मिश्रा और हर्षित मिश्रा, दोनों सगे भाई हैं। समीर मिश्रा एवं हर्षित मिश्रा दोनों आबकारी उप निरीक्षक के पद पर चयनित हुए थे 2008 में। उत्तम प्रसाद 2008 में, पुगव चंदाकर 2008 में दोनों भाई हैं। उत्तम प्रसाद महिला एवं बाल विकास अधिकारी और पुगव चंदाकर वाणिज्यिक निरीक्षक के पद पर चयनित हुए थे। देवचरण पटेल, दुर्गा चरण पटेल दोनों सगे भाई हैं, 2008 में चयनित हुए थे। डीसीपी दुर्गा चरण पटेल नायब तहसीलदार के पद पर चयनित हुए थे। राम प्रसाद चौहान और राम नरेश चौहान सगे भाई हैं। राम प्रसाद चौहान लेखा अधिकारी, रामनरेश चौहान वाणिज्यिक अधिकारी के पद पर चयनित हुए 2008 में। शिवानी जायसवाल, श्वेता जायसवाल दोनों बहने हैं। शिवानी जायसवाल, श्वेता जायसवाल दोनों नायब तहसीलदार के पद पर चयनित हुए थे। दीपा ठाकुर 2008, विकास सिंह ठाकुर दोनों भाई बहन हैं। दीपा ठाकुर अधीनस्थ लोक सेवा आयोग एवं विकास सिंह ठाकुर लेखा अधिकारी के पद पर चयनित हुए थे। पुष्पेंद्र नायक सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री एच एल नायक के पुत्र हैं, डीएसपी के पद पे चयनित हुए थे। पुष्पेंद्र नायक 2011, रिचा सिंह 2012, अभीष सिंह परिहार दोनों भाई बहन हैं। रिचा सिंह नायब तहसीलदार, अभीष सिंह परिहार बाल विकास परियोजना के अधिकारी के पद पे चयनित हुए। मनीष साहू, कल्पना साहू दोनों भाई बहन हैं। मनीष साहू सीओ और कल्पना साहू आबकारी उप निरीक्षक के पद पे चयनित हुए थे। पुराणित सिंह ध्रुव दोनों भाई हैं। पुराणित सिंह मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं प्रमोद सिंह सहकारिता निरीक्षक के पद पर चयनित हुए थे। अभिलाष सिंह पैकड़ा भाई बहन, अभिलाष सिंह पैकड़ा डिप्टी कलेक्टर एवं अभिषेक सिंह पैकड़ा आबकारी उप निरीक्षक के पद पर चयनित हुए थे। अभिलाष की जगह अभिलाषा सिंह। केसरी नंदन नायक सेवानिवृत्त भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी आदर्श नायक के पुत्र हैं और डीएसपी के पद पे चयनित हुए थे 2013 में। 2013 में ही विनय अग्रवाल और चयनित हुए थे, उनके पिताजी कारोबारी थे और डिप्टी कलेक्टर के पद पे चयनित हुए थे। विभोध अग्रवाल 2013 में चयनित हुए थे डिप्टी कलेक्टर के पद पे, उनके पिताजी कारोबारी थे। आभा तिवारी 45 वर्ष की आयु में प्रथम प्रयास में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर डिप्टी कलेक्टर पर चयनित हुई थी। पति उनके आबकारी अधिकारी थे। ओंकार साय और सूर्यकांत साय दोनों भाई हैं, छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लोक सेवा आयोग में चयनित हुए थे 2014 में। मनीष साहू सगे भाई बहन है, डिप्टी कलेक्टर एवं कल्पना साहू वाणिज्यिक अधिकारी के चयनित हुए थे। शीतल बंसल भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी श्री तिलोक बंसल की बहन है, डिप्टी कलेक्टर के पद पे चयनित हुई थी। पुष्पेक चौधरी और ज्योत्सना चौधरी दोनों भाई बहन हैं। एक ही साल 2015 में पुष्पेक चौधरी सहायक अधीक्षक और ज्योत्सना महिला एवं बाल विकास अधिकारी पे चयनित हुई थी। तुलसी मंदिनी साहू और सुशीला साहू दोनों सगी बहने हैं, 2016 में चयनित हुई थी। खुशबू पवार लेखा अधिकारी और नेहा पवार डीएसपी के पद पर चयनित हुई थी। खुशबू पवार, नेहा पवार, प्रीति दुर्गम और हिमांशु दुर्गम दोनों भाई बहन हैं। प्रीति दुर्गम डिप्टी कलेक्टर, हिमांशु दुर्गम आबकारी उप निरीक्षक के पद पर चयनित हुए थे। सिद्धार्थ तिवारी 2014 में चयनित, आभा तिवारी के पुत्र डीएसपी के पद पर चयनित, जो मैंने बताया था इसके पहले की जो माँ और बेटे दोनों चयनित हुए थे। हितेश बिरला 2017 में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष के आर बिरला के पुत्र हैं, 2017 में इनका चयन हुआ था डिप्टी कलेक्टर पद पे। पोषक चौधरी, ज्योत्सना चौधरी दोनों भाई बहन हैं, डिप्टी कलेक्टर एवं डीएसपी के पद पे चयनित हुए थे। प्रकृति ध्रुव 2017 दोनों भाई बहन, स्वप्निल ध्रुव प्रकृति ध्रुव तहसीलदार, स्वप्निल ध्रुव जेल अधीक्षक। संतन देवी जांगड़े 2003 में चयनित हुई थी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के तत्कालीन कार्यवाहक अध्यक्ष
श्री खेलन राम जांगड़े की पुत्री थी जो डिप्टी कलेक्टर पद पे चयनित हुई थी। साथियों, मैं फिर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह नाम या सूची जारी करके हम इन अभ्यर्थियों की योग्यता पे कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहे। हम इन अभ्यर्थियों के चयन प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हम आपके सामने यह प्रस्तुत करना चाहते हैं कि किसी नेता का रिश्तेदार होना, किसी व्यापारी का रिश्तेदार होना, किसी अधिकारी का रिश्तेदार होना अयोग्यता की श्रेणी में नहीं आता है, न ही भ्रष्टाचार का द्योतक है। यह भारतीय जनता पार्टी के दिमागी फितूर है। भारतीय जनता पार्टी जो छत्तीसगढ़ में राजनैतिक रूप से मुद्दे के दिवालियेपन से जूझ रही है, वह इस प्रकार के आरोप लगा रही है।